जंगल में खराब सड़क को देखकर गुस्साए कांवड़ियों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। कांवड़ियों का कहना है जब तक सड़क निर्माण नहीं होगा तब तक वे आगे नहीं जाएंगे। खबर सुनते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद तुरंत सड़क को सही कराने का काम शुरू करवाया गया। महाराजगंज के फरीदा थाना क्षेत्र के गांव विश्रामपुर के पास 11,000 के हाईटेंशन लाइन से पोल से करंट उतरने से खेत में रोपाई कर रही 5 महिलाओं को करंट लगने से उनकी मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 730 फरीदा पर शव रख कर जमकर प्रदर्शन किया। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने राहत के कार्य शुरू किए। कन्नौज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ठटिया मानीमऊ रोड पर चेकिंग के दौरान 5 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लुटेरों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में नाजायज असलाह बरामद किए हैं। वहीं सूचना के मुताबिक पकड़े गए लुटेरों के खिलाफ पहले से कई गंभीर और संदिग्ध धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। हमारे स्वाट के प्रभारी और सर्विलांस टीम के प्रभारी को ये सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी वहाँ पे नेरा रोड पे अपराध की योजना बना रहे हैं, और इस सटीक सूचना के आधार पे वहाँ पे इन लोगों द्वारा घेराबंदी करके और जो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे जो कि योजना बना रहे थे उनको एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, जिसमें कि बड़ी संख्या में अवैध असलाह है और बरामद हुए हैं और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में हरिद्वार से आ रही कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस घटना में 35 कांवड़ यात्री घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के मुताबिक ये सभी कांवड़िये जहांगीराबाद के धामिनी गाँव के रहने वाले हैं। बुलंदशहर में जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के उपचुनाव को लेकर चल रही खींचातानी चुनाव के बाद खत्म हो गई। यहां जिला पंचायत अध्यक्ष उपचुनाव ओमवीर सिंह के नए जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए। यहां कुल 53 वोटों में से उन्होंने 47 वोट अर्जित कर जीत हासिल की। बेगूसराय में सरकारी पदाधिकारियों ने तंबाकू के उत्पाद और सेवन न करने की शपथ ली है। इस मौके पर SDM समेत जिले के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नगर आयुक्त अब्दुल हमीद ने बताया कि बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है, लेकिन फिर भी गिने चुने लोगों के द्वारा कानून हाथ में लेते हुए इसका कारोबार तथा सेवन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उन लोगों की धरपकड़ के साथ साथ सजा के दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। बांदा जनपद की पैलानी तहसील के निवासियों ने बिजली पानी की समस्याओं से परेशान होकर बांदा हमीरपुर कानपुर के मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचकर विद्युत SDO को लिखित आश्वासन देकर ग्रामीणों का जाम हटवाया। वहीं मामले में ग्राम पैलानी के निवासियों का कहना है कि 2 महीने से 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे बिजली मिल रही है। चंबल में बाढ़ के खतरे को देखते हुए ग्रामीण सुरक्षित स्थानों की तलाश करने लगे हैं। वहीं प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने और भारी बारिश के चलते पिछले 24 घंटे में चंबल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया है, जिससे चंबल किनारे पर बसे गाँव रेहा कछियारा डोंगरा सहित प्रभावित हो रहे हैं।